का विनम्र प्रयास है महंगाई के इस भयंकर दौर के अंदर किस प्रकार से हम लोग बचत की बात करें, बचत की राहत की बढ़त की बात जो हमने की है वही हमारे थीम है बजट के अंदर भी। और इसीलिए हम लोगों ने ये एक प्रयास किया है कि किस प्रकार उनको राहत मिले। अभी आप देखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर महिला बोल रही थी 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा हमें, वरना जैसे ही गैस सिलेंडर ख़त्म होता और अचानक हमें चिंता लगी रहती कि पैसा कहाँ से लाएंगे, तो बहुत बड़ी राहत उनको मिली है ये मैं कह सकता हूँ। और ये प्रयास हमारे जारी रहेंगे, आगे भी जारी रहेंगे। ये सोशल सिक्योरिटी है, ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम किस प्रकार से उन तक पहुँचाएँ और सिक्योरिटी महसूस करवाएँ। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करी है राइट टू हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी दो कानून पास करे भारत सरकार देशवासियों के लिए कानून पास करे। अब विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु तब बनोगे तब आप कम से कम वो जो आवश्यकता है आम परिवार की, गरीबों की, मिडिल क्लास की, उनको कम से कम सिक्योरिटी मिले लाइफ की, सोशल सिक्योरिटी मिले, तब विश्व गुरु बनने की तब आगे बढ़ सकते हैं, वरना खाली बातें हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि राइट टू हेल्थ और राइट टू सोशल सिक्योरिटी ये लागू करें। आपने कहा केंद्र ने पूरे डेटा अवेलेबल नहीं कराया हमें, वो तो मैं रोज बोल रहा हूँ मीटिंगों के अंदर, उनको ढंग से अगर डेटा उपलब्ध कराते तो हम ढंग से सबको बांट पाते हैं, डीबीटी कर पाते हैं। अब हम दुकानदारों से ले रहे हैं, कंपनियों से ले रहे हैं, इस प्रकार से हम कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हम लोग कोई रास्ता निकालेंगे। जो रजिस्ट्री करवाएगा उन सबको उसका लाभ मिल जाएगा। बस पेपर लीक आरोप ईडी सीबीआई इनकम में तड़प रही है रास्ता में घुसने के लिए, अच्छी बात है। पर एक एसीबी ने जो पकड़ा है आरपीएससी के मेंबर, कलेक्टर को पकड़े हैं, एसपी को पकड़े हैं, तो ईडी को तो कहना चाहिए अपना पोसेस को तो भाई क्यों रास्ता में भेज रहे हो। वहाँ की एंटी क्राइम ब्यूरो इतनी मजबूत है कि जिसका कोई जवाब नहीं देश के अंदर, जवाब देश भर के अंदर सबसे ज़्यादा काम किया है, माकूल काम किया है, मजबूती से छापे डाले हैं, ट्रैप किया है, तो राजस्थान की एसीबी ने किया है, इतना शानदार काम किया। तो जहाँ एसीबी अच्छा काम करे वहाँ क्यों बिना मतलब का आप इंटरव्यू करते हो, क्यों करते हो? अब आपने पहले पेपर लीक हुए थे उस पर ईडी भेज दी थी, कुछ हुआ क्या अभी तक? ईडी काम कर रही है उसमें भी, पेपर लीक में भी, क्यों बिना मतलब हस्तक्षेप करते हो? ईडी बड़ा स्ट्रांग कानून है, उसकी क्रेडिबिलिटी हम तो अपेक्षा करते हैं, देश में हाईएस्ट होनी चाहिए ईडी की, इनकम टैक्स की और सीबीआई की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट रहे, ये मेरी दुआएं हैं उनके साथ में। मैं प्रार्थना करता हूँ, उन सब रिक्वेस्ट करता हूँ अधिकारियों से भी, अनावश्यक जो है ऊपर के दबाव से आप दबाव आना बंद कर दो। वक्त आ गया है, देखिए सुन लीजिए आप लोग कान खोल कर सब लोग जो सुन रहे मुझे, वक्त आ गया है। अगर ये ऊपर से दबाव देते हैं जो उनका अधिकार नहीं है, अधिकार है जो FIR दर्ज करता थानेदार का, उसी का अधिकार होता है। उसी प्रकार से जो ईडी है, इनकम टैक्स CBI है, जो सिस्टम बना हुआ कानून के अंतर्गत, उसके अकॉर्डिंग टू कार्रवाई करो, छापे डालो, अरेस्ट करो, जेलों में डाल दो, हमें खुशी होगी, हम स्वागत करेंगे उनका। पर आप राजनीतिक बदले की भावना से चुनाव जीतने के लिए, माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए अगर आप इस प्रकार की हरकतें करते हो, ऊपर से आदेश देते हो, फिर मॉनिटरिंग भी करते हो, क्या हुआ उसका, कहाँ तक पहुँचे हो? कि लोकेश शर्मा हमारा OET क्या गलती करी, हाईकोर्ट में हमारा रोज पेशी भी जाना पड़ता है,
केस बना दिया, कोई सबूत नहीं, कोई बात नहीं, और उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये जो जिस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ किसी भी रूप में देश हित में नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। और जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं, कर्नाटक में आ गए तो ईडी घुस गई, इनकम टैक्स घुस गई। रास्ते में उम्मीद कर ही रहे थे हम, तो इंतजार कर रहे थे, जो माहौल बन गया है उसमें इंतजार कर रहे थे। लोग कह रहे थे साहब ईडी वाले पहुँच गए हैं, बैठ गए हैं, उनको लिस्ट दे दी गई है, और लिस्ट दे करके उनको कहा गया कि आप जो है देखो इसमें कहाँ कहाँ पहुँच सकते हो, किसी की पोल थोड़ी बहुत मिल सकती है। छोटी मोटी गलती हर व्यापारी, हर उद्योगपति, हर व्यक्ति से नहीं चाहते हुए भी जो सिस्टम है सरकार का, प्रक्रिया है, उसके अंदर छोटी मोटी कमी रहती है, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाए जाते हैं, तो वो उनको गाइड कर दें। अब उसके अंदर आप ईडी घुसा दो, अब बताइए इनको, जब आप हमने खुद ने ईडी का एसीबी का जो आरपीएससी का जो मेंबर पकड़ा गया है, एक भावना ये आई थी कि भाई इसको इस्तीफा ले लो उसके बाद पकड़ो, मैं कह नहीं, आरपीएससी मेंबर रहते हो पकड़ो, मैसेज आना चाहिए कि बेईमानी कर रहा है। आरपीएससी मेंबर बेईमानी हिम्मत कैसे कर ली, इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारी खुद की सोच है, उसके अंदर इस प्रकार की हरकतें करना, अब ईडी के छापे डलवा रहे हो, डलवा दीजिए कोई बात नहीं, और कुछ मिलता तो आप एसीबी मदद कर दीजिए, पर आप केस खुद ले लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ करोगे तो हमें खुशी होगी, ये भी मैं कहता हूँ।